ठीक है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। देखते हैं चैप्टर चैप्टर का टॉपिक क्या है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताना चाहते हैं आपको। फिर उसके अंदर कोई रेड क्रॉस सिंबल है उसके बारे में बताना चाहते हैं। WHO फुल फॉर्म शायद आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। आपको स्क्रीन विजिबल है? जी हेलो। सर, ठीक है, तो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इन दोनों कुछ मेन एक्टिविटीज हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले तो हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हेल्थ इज वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं दुनिया में कहीं भी चल जाओ, दुनिया में कहीं भी चल जाओ, वहाँ पे हर कंट्री के हर गवर्नमेंट को चिंता रहती है हेल्थ के बारे में। उनका सबसे पहला जो कंसर्न होता है, सबसे पहला उनका प्राइमरी कंसर्न वो होता है, वो रहता है कि उनके कंट्री के जो लोग हैं, उनके सिविलियंस जो हैं, वो हेल्दी रहें, वो हेल्दी रहें, सेफ रहें। दे स्ट्राइव टू टेक स्टेप्स, स्ट्राइव मतलब एफर्ट्स करना, ट्राई करना। दे ट्राई टू टेक स्टेप्स इंडिविजुअली एट द नेशनल लेवल एज वेल एज कलेक्टिवली एट द ग्लोबल लेवल टू सेफ गार्ड द हेल्थ इंटरेस्ट ऑफ देयर पीपल। वो ट्राई करते हैं स्टेप लेने का। सर कैसा स्टेप लेंगे? सेफ्टी मेजर्स बेसिकली। अब वो सेफ्टी मेजर्स भी कैसे लेते हैं? तो इंडिविजुअली मतलब इंडिविजुअली भी लेते हैं, इंडिविजुअली एट नेशनल लेवल यानी अपनी कंट्री के अंदर। बात करें तो अपने कंट्री के अंदर तो मेहनत करते ही करते हैं। इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी जो उनसे हो सकता है, ग्लोबल लेवल पर भी जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो काम भी करते हैं। दिस चैप्टर इज एम्ड एट फेमराइजिंग द स्टूडेंट्स हु विद द टू मेन ऑर्गेनाइजेशंस नेम द रेड क्रॉस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं इस चैप्टर का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में फेमिलियर कराया जाए, दो ऑर्गेनाइजेशंस से फेमिलियर कराया जाए, उनसे अवेयर कराया जाए। पहला है रेड क्रॉस, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो स्टार्टिंग वो कुछ और ही कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ करते आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ। वो कह रहे हैं इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, तो हम सारी तो नहीं पढ़ रहे, हम कुछ कॉमन हेल्थ डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंडिया में कॉमनली होती है, जो इंडिया में कॉमनली है लोगों को होती है। सो कह रहा है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इट हैज हाईली डाइवर्स जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, इट्स पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्रॉडली फाइव टाइप्स ऑफ हैबिटेशन। वो कह रहे हैं इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी बहुत फैली हुई कंट्री है। इट हैज़ डाइवर्स जोग्राफिकल, यहाँ पर लोग दूर दूर अलग अलग जगह पर रहते हैं। एंड क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रॉडली फाइव टाइप्स ऑफ हैबिटेशन। यहाँ लोगों के रहने की जगहों को पाँच तरह से क्लासीफाई कर देगा। पहला बिग सिटीज, दूसरा स्मॉल टाउन्स, तीसरा विलेजेस, फोर्थ रिमोट एरियाज, फोर्थ स्लम एरिया, स्लम डवेलिंग जिसको झुग्गी झोपड़ी झोंपड़ी कहते हैं। तो बिग सिटीज के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं दीज है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पर बहुत सारी मंजिलों वाले बिल्डिंग्स होती हैं।
टू मैनी व्हीकल्स, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं बिग सिटीज़ में, हैवली बर्डन वाटर सप्लाई यानी बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई होती है, एंड सीवेज सिस्टम भी होता है। सम विद लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कुछ कुछ सिटीज़ में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं इधर इनसाइड द टाउनशिप और आउटसाइड द, मतलब अब वो कह रहे हैं इंडस्ट्रीज या तो वहाँ पे होंगी जहाँ पर लोग रहते हैं, या फिर वहाँ पर होंगी जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, या तो इनसाइड द टाउनशिप जहाँ पर लोग रहते हैं, या फिर आउटसाइड है ना यानी जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल टाउन्स, स्मॉल टाउन्स भी कुछ इसी तरह से होते हैं लेकिन बस वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं होते, बस वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं होते। फिर विलेजेस के बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्मॉल पॉपुलेशन, सब कम नहीं बहुत कम, छोटी बहुत कम पॉपुलेशन होती है यहाँ पर। एग्रीकल्चर बेस्ड हो, यहाँ पर जो काम होते हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड काम होते हैं, जैसे डेयरी के काम होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के काम होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री एटसेट्रा आर दी मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। रिमोट एरियाज के बारे में क्या बता रहे हैं, ट्राइबल पीपल मोस्टली थ्राइविंग ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पर कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, कुछ ट्राइब्स के लोग रहते हैं जो कि मेनली जिंदा रह पर रह रहे हैं फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से जिंदा रह पा रहे हैं बेसिकली। ना तो उनके पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, ना तो उनके पास पीने के लिए प्रॉपर वाटर है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। जंगल के लोगों के पास ना ही कोई जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है प्रॉपर। लास्ट टाइप वो कह रहे हैं स्लम डवेलिंग्स, स्लम्स एंड झुग्गी झोपड़ीज आर अ कॉमन साइट एट ऑल प्लेसेस स्पेशली ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द बिग सिटीज। वो कह रहे हैं वैसे तो ये बहुत कॉमन है ना हर जगह पर, लेकिन स्पेशली आपको देखा बिग है बड़े बड़े शहरों के भारी इलाके में, बड़े बड़े शहरों की बाउंड्रीज पर आपको बहुत दिखेंगे। अनहेल्दी अनहाइजेनिक कंडीशन प्रीवेल इन देम, और यहाँ पर बहुत गंदा, यहाँ पर बहुत अनसेफ, बहुत अनहेल्दी और अनहाइजेनिक कंडीशन यहाँ पर रहती हैं, मतलब ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं बेसिकली, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, द हेल्थ प्रॉब्लम्स डिफर इन ईच काइंड ऑफ हैबिटेशन वगैरह। हर जगह के माहौल में, हर जगह के हैबिटेशन को आप हिंदी में माहौल बोल सकते हो, तो कहते हैं हर तरह के माहौल में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। हाउएवर वी मे जनरलाइज देम एज फॉलोस, फिर भी हम उनको इस तरह से जनरली एक जनरल कैटेगरी हम ऐसे बना भी सकते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज जो खाने से और वाटर की ऐसे होती हैं, इंसेक्ट एंड एयर बॉर्न डिजीज जो इंसेक्ट और वहाँ की हवा की वजह से होती है, ठीक है। बस दो तरह की उन्होंने बताई हैं, दो तरह की वो दो तरह से वो जर्नलिस्ट कर रहे हैं। पहला जो खाने पीने की वजह से होती हैं, पहली परेशान बीमारी है वो जो खान पान की वजह से होती हैं, खाने पीने की वजह से होती हैं। सब वो कह रहे हैं कौन कौन सी हैं, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, डिसेंट्री, ठीक है, आर वेरी कॉमन इन एरियाज डेफिशिएंट इन प्रॉपर वाटर सप्लाई। मतलब वो कह रहा है ये बीमारियाँ कहाँ पर हैं, ये बीमारियाँ वहाँ पर कॉमन है जहाँ पर पानी की कमी है, डेफिशिएंट इन प्रॉपर वाटर सप्लाई, जहाँ पर पानी कम है, यानी पानी की कमी की वजह से या गंदे पानी की वजह से, पानी की कमी भी और गंदा पानी भी होगा है, तो उस तरह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। एट मैनी प्लेसेस वाटर फ्रॉम हैंडपम्प्स एंड अदर सोर्सेज कंटेमिनेटेड। वो कह रहे हैं काफ़ी सारे जगह पर वाटर जो है वो हैंडपम्प से या फिर और अलग अलग जगहों से लिया जाता है। एट सर्टेन प्लेसेस कुछ कुछ जगह तो ऐसी होती है हार्मफुल मिनरल्स कंटेंट्स एंड वाटर ऑफेंड्स टू वेल्स और हैंडपम्प्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो हैंडपम्प होता है या कई लोग कुएं वगैरह में से पानी लेके आते हैं, तो अगर उस हेडपम्प में या कुओं में कोई फिल्टर लगा होता है क्या, आरओ प्यूरीफायर लगा होता है क्या, नहीं, तो पानी फिल्टर हो गया नहीं पाता, तो वहाँ पर मिनरल्स तो होते होते हैं लेकिन मिनरल कैसे होते हैं, हार्मफुल, यानी वहाँ पर गंदगी होती है, उन पानी में क्या होती है, गंदगी होती है, जिस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हमें हो जाती है, अनट्रीटेड सीवेज, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब होता है आप कह सकते हो एफ्लुएंस मतलब क्या होता है, डर्टी एलिमेंट्स है ना, अनट्रीटेड सीवेज, एफ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज जो बाहर से धुआं निकलता है बेसिकली, वो एलिमेंट पोर्ड इन टू रिवर्स, वो सारा का सारा पानी रिवर में डाल जाता है, एंड अदर वाटर वाटर बॉडीज हार्म दी पीपल लिविंग अलोंग साइड। वो कह रहा है जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ का जो कचरा होता है वो है ना
वो रिवर में डाल दिया जाता है, वो रिवर में फेंक दिया जाता है, वो कचरा रिवर में या फिर अदर वाटर बॉडी में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसा कह रहा है कुछ आपके एनवायरनमेंट पे ऐसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरनमेंट आपका बन गया बना देना इंसेक्ट से, एयर से, हवा से प्रॉब्लम हो सकती है। द पब्लिक इन जनरल स्पेशली इन अनएजुकेटेड विलेज, बेसिकली है पब्लिक इन जनरल, जनरली जनरली बोला है कि जो जनरली पब्लिक जो होती है, और स्पेशली वो लोग जो गांव में रहते हैं लेकिन, और जो अनएजुकेटेड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द फ्लाइज विच अलाइट ऑन एक्सपोज फूड स्टफ एंड कंटेमिनेट देम। वो कह रहे हैं जनरल पब्लिक की बात की, जो नॉर्मल पब्लिक होती है या फिर गांव के जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनको मधुमक्खियों से फर्क ही नहीं पड़ता, उनके बारे में कॉन्शियस ही नहीं है, उनको होश ही नहीं है, उनके खाने पीने के ऊपर मक्खियाँ उठ उठ कर जा रही हैं, खाने के ऊपर बैठ बैठ कर जा रही हैं, और वो गंदा करके आ रही हैं, उनको कंटेमिनेट करके आ रही, वो गंदा करके आ रही है। कंटेमिनेट होता है प्रदूषित करना, हार्म पहुँचाना, तो खानों को, आपके खाने को खराब करके जा रही हैं। तो जनरल पब्लिक और गाँव के लोग इस चीज़ को चिंता, इस चीज़ से मतलब चिंता ही नहीं, इसके बारे में सोचते ही नहीं है, इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है, जिस वजह से उनका खाना खराब हो जाता है और वो बीमार हो जाते हैं। लैक ऑफ जनरल क्लीनलीनेस, ये जो अभाव है लोगों के बीच में, जो कमी है उनके बीच में सफाई को लेकर, लीड्स टू ब्रीडिंग ऑफ हाउस फ्लाइज, इसकी वजह से बहुत सारी हाउस फ्लाइज ब्रीड होती हैं, ब्रीड मतलब ग्रो होती हैं, मॉस्किटोज पैदा होते हैं और अदर इंसेक्ट्स, जो कि क्या करते हैं बाद में बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह, दो रीजन उन्होंने बताया कि बीमारियां कैसे कैसे आती हैं। तो उसका कुछ बताया जाएगा सिलेबस के लिए जरूरी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने बताया है कैटेगरीज ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपने इतने सारे हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हर चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, हर किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ तो समझ चुके हो कि आपको किस चीज़ को मेंटेन करना है। तो आप एक लेवल पे बैठ के आप हर लेवल की चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकते हो, अगर आपको पूरी जगह को लेवल मेंटेन करना, आपको हर लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनानी होगी आपको। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी, तो ये नहीं है कि आप इंडिया के सेंटर में दिल्ली में बैठकर आप हर जगह की हेल्थ को संभाल सको। आप दिल्ली में बैठकर, दिल्ली में बैठकर आप यूपी का, यूपी के अंदर जितनी भी सिटीज हैं उन सारी सिटीज का, फिर सिटीज के अंदर जितनी गलियां हैं उन सारी गलियों का, क्या आप हर जगह की सफाई का ध्यान रख सकते हो क्या केवल एक जगह पर बैठ के? नहीं, दिल्ली में बैठ के आप आगरा की सफाई का ध्यान रख सकते हो, लेकिन आगरा की अंदर की सफाई का ध्यान नहीं रख सकते। तो आगरा के अंदर का आपको अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि हेल्थ की कैटेगरी से डिफाइन की गई है, लोकल लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर, हर लेवल में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी ताकि प्रॉपरली काम हो सके। तो ऊपर लिखा हुआ है एवरी कंट्री इज कंसर्न अबाउट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ इट्स पीपल। बिल्कुल, फॉर अचीविंग दिस गोल सेवरल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई देम इनटू थ्री कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल एट दिस अबव। वो कह रहे हैं कि हमारा बेसिकली जो हर कंट्री वो अपने हेल्थ और वेलबींग, अपने लोगों के हेल्थ और उनके वेलबींग के लिए कंसर्न होती है, और इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं अलग अलग लेवल पर जो काम करते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को तीन लेवल पर क्लासिफाई किया जा सकता है, एक लोकल लोकल लेवल पर जो लोकल बॉडीज होती हैं जो लोकल एरिया की सफाई का ध्यान रखती हैं, फिर नेशनल लेवल जो पूरी कंट्री एज अ होल का ध्यान रखती हैं, और फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लोकल बॉडीज का बता दें, ऑल सिटीज, सिटीज़ की सफाई का ध्यान की बात की जाए, टाउन्स की सफाई की ध्यान बात की जाए, बड़े बड़े गाँव के ध्यान सफाई की बात की जाए, तो उनके लिए लोकल बॉडीज बनाई गई हैं, है ना, टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ देयर पीपल। दिस इंक्लूड सर, इनके अंदर क्या क्या था, लोकल के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपालिटीज, पालिटीज जो अपने सिविक्स से पहले पढ़ रखी होंगी, गर्मी का डिफरेंस होता है, टाउन एरिया कमिटीज, ये बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा। दे हैव रेगुलर स्टाफ, उनका रेगुलर स्टाफ होता है, एंड इक्विपमेंट फॉर लुकिंग आफ्टर द फॉलोइंग, चीज़ों को ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान ये बेसिकली रखते हैं, सैनिटेशन, प्रॉपर साफ सफाई, रिमूवल एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज एंड अदर वेस्ट एंड अदर वेस्टेज, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ फ्लाइज मॉस्किटोज एक्सेट्रा। मतलब कह रहे हैं कि जो लोकल लेवल के तो होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके गली के बाहर जो साफ सफाई करने आते हैं, कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उनको प्राइम वो पीएम मोदी भेजते हैं ना, लोकल लेवल पर ही म्यूनिसिपालिटीज है हमारी आगरा की, है ना, हो सकता है आपकी कमलागढ़ के अलग से हो, बल्बसुर के अलग से है, ठीक है, तो वहाँ से आते हैं लोग,
ये ऐसे नहीं कि बहुत बड़े लेवल से आती है, नहीं, हर लोकल लेवल पर अलग बना दिए गए हैं। तो इनका काम क्या है, वो सैनिटेशन पर ध्यान रखते हैं। सैनिटेशन मतलब कि गार्बेज को उठाना, प्रॉपर जगह पर फेंकना, उसको रिमूव करना, उठाना और प्रॉपर जगह पर डिस्पोज करना, और जहाँ पे जगह है वहाँ पर जाकर उसको फेंक के आने को, यानी कि इधर उधर आपके घर से उठा के दूसरे के घर के बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं, एक जगह से उठा के प्रॉपर जगह पर फेंक के आए। सीवेज एंड अदर वेस्टेज, यानी गार्बेज भी उठाएं, सीवेज को भी साफ करें और अदर वेस्ट को भी साफ करें। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ फ्लाइज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं या कीड़े मकोड़े हैं, उन जगहों को साफ करें, उन जगहों को ख़त्म करें। ख़त्म करने से मतलब साफ करने से। सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी उनका काम है। वैक्सीनेशन, जितनी बीमारियां फैल रही हैं उनकी वैक्सीन, उनके लिए उनके उनको टॉयलेट करने के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत होती है, ये कराना भी लोकल बॉडीज का काम है। इसके बारे में तो अगर आजकल हर कोई अवेयर है। इम्यूनाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक फोर्स क्रिएट कर देना, आपकी बॉडी के अंदर एक फोर्स यानी एक पावर ऐसे क्रिएट कर देना जिससे बीमारियों से वो लड़ सकें। ऐसा नहीं कि बीमारी आएंगी नहीं आपके अंदर, आएंगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई तो आपको आपके अंदर कोविड के वायरस नहीं आएंगे, आएंगे बिल्कुल, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन के ऐसे ऐसे फोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे अच्छे जम्प्स क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे अच्छे वायरस क्रिएट हो जाएंगे जिससे कोविड के वायरस से लड़ेंगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का मतलब कहता है आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देना, यानी आपके अंदर स्ट्रांग अच्छे गुड जम्प्स क्रिएट कर देना जो बीमारी से लड़े। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग कराना है, ये भी लोकल बॉडी का काम होता है। इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्स, एंड अदर्स, और जो बड़े लोग होते हैं उनको भी, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सेवरल इन्फेक्शियस डिजीज सच एज टिटनेस, पेर्टुसिस, डायथेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलीमेलिटिस, मीजल्स, और आप लिख सकते हो यहाँ पे एक नया कोविड, ठीक है, एटसेट्रा। दिस प्रोग्राम्स आर इंटेंसिव है, इंटेंसिव मतलब कि बहुत अच्छे लेवल पर किए जाते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ रिस्क ऑफ एन एपिडेमिक ब्रेकिंग आउट, एपिडेमिक, अगर एपिडेमिक आ गया नहीं, वर्ल्ड लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इंटेंसिफाई कर जाता है ये प्रोग्राम। इंटेंसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब बहुत ज़्यादा जोर जोर शोर से वाले काम किए जाते हैं वैक्सीनेशन वाले, बहुत जोर से। कीपिंग स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब क्या, अपार्ट फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ, ये क्या कह रहा है, ये आपको पता है, जब भी कहीं कोई बॉर्न होता है और हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लेवल के, अपने एरिया के म्यूनसिपालिटी वगैरह होती है, जहाँ पर भी एक होता है ऑफिस, तो वहाँ पर लोगों की डेथ का और लोगों के बर्थ का डिटेल उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती है। जिस टाइम पर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनता है हॉस्पिटल में, तो डिटेल में सबमिट करानी होती है, जरूरी होता है। तो अगर इन, ये तो होता ही होता है नॉर्मली। इसके साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम, इसके साथ साथ एवरी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड डिजीज ऑफ द पीपल इन द एरिया इज टू बी रेगुलरली मेंटेन। तो लोगों की रिस्पॉन्स, तो डॉक्टरों की बोल सकते हो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे रिलेटेड, इसके अलावा भी जितनी भी हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो भी वो क्या करें, वहाँ पे उसका डेटा मेंटेन करके रखें। ये लोकल लेवल पर हो गया, अब आगे नेशनल लेवल पे। इन इंडिया सिविल एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च सेंटर्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द स्टडीिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। दिस सेंटर्स आर इन पर्टिकुलर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग डेज, वो कह रहे हैं इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोजी, कोलेरा, ये पता नहीं क्या है। जैसे आज के टाइम पे कोविड है ना, कोविड बहुत बड़ी पेंडेमिक बना हुआ है, कोविड से पहले ये वाली बीमारी एक एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सीरियस रह चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी हवाई फैलाई है। वो काफी पुरानी है, यहाँ पे उसका नाम है नहीं, सेवेंस भी लिख सकते हैं। फंगस, फंगस से जो नई डिजीज चली है, इनके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं। फॉर ईच सच डिजीज, इन तरह के डिजीज के लिए दे अंडरटेक आर रेगुलर सर्वे, वो रेगुलर सर्वे करते हैं। वो सर्वे में क्या करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिटिंग एजेंट एंड इट्स ब्रीडिंग 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 प्लेसेस, वो आइडेंटिफाई करते हैं किनको, ट्रांसमिटिंग एजेंट्स को, कि ऐसे कौन से वायरस हैं, कैसे बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इट्स ब्रीडिंग प्लेसेस, ये जो इंसेक्ट हैं ये कहाँ पल रहे हैं, ये इंसेक्ट कहाँ बड़े हो रहे हैं, कहाँ इनका घर है, उन जगहों को। अरेंजिंग
प्रोफेलेटिक इम्यूनाइजेशन, और वहाँ पर जाके इम्यूनिटी फैलाना है, वहाँ पर जाकर लोगों को साफ करो और लोगों को प्रॉपर डोज प्रोवाइड करना, एंड एनी अदर काइंड ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू फाइट अगेंस्ट द रेस्पिरेटरी डिजीज। और जो भी सही स्टेप लगता है इस तरह के डिजीज से लड़ने के लिए वो भी लिया, ये लोगों का काम होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NICDs को बोलते हैं, आज एल नून एज मलेरिया इंस्टीट्यूट। सर इसको पहले मलेरिया इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता था? इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था जो स्पेसिफिकली अब बहुत लार्ज लेवल पे मलेरिया के ऊपर ही रिसर्च करता था बेसिकली, एट दिल्ली सीरियसली एंगेज इन डूइंग रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस। आज के टाइम में हर तरह के डिजीज के बारे में, जितने इन्फेक्शन डिजीज हैं उन सभी के बारे में रिसर्च करता है, लेकिन पहले केवल मलेरिया ही मलेरिया के ऊपर बहुत लार्ज लेवल पर करता था, इसलिए इसका पहले नाम था मलेरिया इंस्टीट्यूट, आगाम चेंज हो गया। एन एक्सटेंसिव नेशनल प्रोग्राम अंडर पल्स पोलियो हैज बीन लॉन्च्ड टू फुली इरेडिकेट पोलियो मेलिटिस। सर पोलियो मेलिटिस से क्या है, आपने नाम सुना होगा, बस आपने इतना नाम सुना होगा, लोग इतने नाम लेते हैं पोलियो, पूरा नाम कुछ और है और लोग लेते हैं पोलियो। तो वो कह रहा है इसके लिए तो बहुत बड़ा एक्सटेंसिव नेशनल प्रोग्राम चलता ही चलता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, ताकि ये बीमारी फुल्ली इरेडिकेट हो। इरेडिकेट मतलब जड़ से खत्म कर देना, इरेडिकेट मतलब जड़ से खत्म कर देना, यानी अच्छे से हर बीमारी को हटा देना। अब आते हैं इंटरनेशनल बॉडीज पर, इंटरनेशनल बॉडीज पर रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो रही है इंटरनेशनल बॉडीज का। मतलब कह रहा है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी कंसर्न विद पीपल्स हेल्थ आर रेड क्रॉस एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक मेरे को पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होता है। क्यों सुना होता है? क्योंकि जीते वगैरह ना बहुत आता रहता है, और आज के टाइम पे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी ये बहुत आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मतलब बहुत कम लोग होंगे जो अवेयर नहीं होंगे, लेकिन रेड क्रॉस के बारे में तो लोग जानते भी नहीं है, बहुत रेयर लोग होंगे तो रेड क्रॉस के बारे में जानते नहीं है ना। 12th तक के लोगों की मैं बात करूँगा, और जानते हैं मौका मिला तो जाने का रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस इज अ नेशनल एज वेल एज एन इंटरनेशनल एजेंसी। वो कह रहे हैं नेशनल एजेंसी भी इंटरनेशनल एजेंसी भी। द मेन फंक्शन ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी इज टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच प्रिवेंट और रिमूव ह्यूमन सफरिंग। इसका मेन काम क्या होता है? रोकना, इनको बीमारियों को परेशानियों को रोकना, या फिर उनको बिल्कुल हटा देना, या तो उनको बिल्कुल ही हटा देना। इन इंक्लूडेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, बेशक वॉर चल रहा हो इनका काम है, ओके बेशक वॉर चल रहा हो कंट्री में आउटब्रेक डिक्लेयर क्यों ना हो गया हो, लेकिन फिर भी इनका ये काम चलेगा। इट वॉज फॉर्मली फाउंडेड इन 1864। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी थी? 1864 में। द रेड एम्बलम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी इज अ रेड कलर्ड क्रॉस पेंटेड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। वो कह रहे हैं ये जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको सोसाइटी बोल रहे हैं, इसका जो एम्बलम है बेसिकली वो क्या है, उनका सिंबल है बेसिकली वो क्या है, वो एक रेड कलर्ड क्रॉस है, रेड कलर में क्रॉस है जो कि वाइट बैकग्राउंड पर बना हुआ है। पीपल बिलोंगिंग टू द रेड क्रॉस कैन गो टू बैटल फील्ड्स एंड टेक केयर ऑफ द वाउंडेड सोल्जर्स वेदर फ्रेंड्स और एनिमीज। वो कह रहे हैं ऐसे लोग रेड क्रॉस से बिलोंग करते हैं, रेड क्रॉस से बिलोंग करते हैं ना, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं बेसिकली लोग, तो बैटल फील्ड्स में भी जा सकते हैं, जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहाँ पर भी जा सकते हैं, एंड टेक केयर ऑफ द वाउंडेड सोल्जर्स, और जिन लोगों के बाउंड हो चुके हैं, घाव हो लग चुके हैं, चोट लग चुकी है, अब चाहे वो आपके दोस्त हों चाहे वो आपके दुश्मन हों, उनका ध्यान रखना भी उनका काम है। मेजर एक्टिविटीज ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज आर एज फॉलोज। इनका मेन काम क्या होता है? टू एक्सटेंड रिलीफ, लोगों को रिलीफ पहुँचाना, एंड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ एनी कैलमिटीज। इसके बारे में आपको इसके बारे में और अच्छे से अवेयर कराऊंगा, बेसिकली आपको जनरली दिखते करना है यहाँ पे वर्ड आगे कैलमिटीज में मेरे को ध्यान आ रहा है। आप कभी वीडियो वगैरह सेवर ठीक हो जाए, कभी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सर्च करते हैं, लास्ट रिसेंट जितने भी नेचुरल कैलमिटीज आती है ना, नेचुरल कैलमिटीज आती हैं, तो वहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं आते हैं, आसपास के हॉस्पिटल के लोग भी नहीं आते हैं। वहाँ पर कुछ लोग पहनते हैं व्हाइट क्लोथ्स होंगे उनके ऊपर, और व्हाइट क्लोथ्स के ऊपर उनके सर की तरफ उनके और जो शर्ट में पाउच पॉकेट वाली जगह होती है वहाँ पर प्लस का सिंबल होना होगा। तो ये कुछ लोग आते हैं, और ये बेसिकली तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम फेस होती है, और सीरियस प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कैलमिटी, कोई आपदा आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए,
तभी ये लोग ज्यादा आते हैं मेनली इस ऐसा केस में आते हैं। आपने कभी देखा भी हो यूट्यूब वगैरह पे, अगर देखा होता फ्लड वगैरह केस में बहुत आते हैं मतलब। तो बेसिकली मैं काम करता है ऐसे केस में या फिर जो ऐसी बीमारी से जो विक्टिम है, ऐसे लोग ऐसे चीज़ों के विक्टिम है, इन लोगों को रिलीफ पहुँचा रहा, उनकी हेल्प कर, इन लोगों के लिए खाना वगैरह अरेंज कराना, ब्लड वगैरह अरेंज कराना, ठीक है, टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल पॉसिबल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जितना भी हो सकता है किसी एक्सीडेंट में, यही एक्सीडेंट की बात की जा रही बेसिकली, ये प्रोवाइड करना, टू एजुकेट पीपल इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। और लोग इनके कुछ इनके अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि किसी भी एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है, यानी सेफ्टी के बारे में सबसे पढ़ाते हैं। अरेंज फॉर एम्बुलेंस सर्विस इन ऑल इमरजेंसीज, एम्बुलेंस सर्विस को मेंटेन करना कि कैसे भी इमरजेंसी क्यों ना जाए एम्बुलेंस पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना भी उनका काम है। टू लुक आफ्टर मेटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, जो मेटरनल और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स है उनका भी ध्यान रखना इनका काम होता है। द इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी हैज ऑल्सो बीन एंगेज इन ट्रेनिंग मिडवाइफ, इनका ये ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं, ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब काफ़ी लोगों को ट्रेन भी करते हैं बेसिकली इससे रिलेटेड, ठीक है। अब वर्ल्ड WHO से आने से पहले मैं बता दूँ, जरा ये प्लानिंग मैंने पढ़ाई थी लेकिन मीनिंग समझा है। रेड क्रॉस क्या है, एक नेशनल भी है और इंटरनेशनल एजेंसी भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आपको पता होगा, आई थिंक मेरे को कंफर्म करने दो, ये इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जेनेवा, बिल्कुल सही। जो WHO है ये जेनेवा की ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा की ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। सर को UN का मेंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि UN के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं और उन बहुत सारी कंट्रीज में स्विट्जरलैंड भी आता है, तो स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि इंटरनेशनल क्यों बोलते हैं, जेनेवा वालों के लिए इंटरनेशनल नहीं है, जेनेवा वालों के लिए WHO नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जेनेवा के बाहर जितने भी लोग हैं, स्विट्जरलैंड के बाहर, स्विट्जरलैंड के बाहर अदर कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके तो इंटरनेशनल हो गया क्योंकि उनके कंट्री का पार्ट है नहीं। इसीलिए ये जो है ना, हम लोग क्योंकि इंडियन है, हमारी इंडियन बुक में प्रिंटेड है, तो रेड क्रॉस इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस प्राउड की बात है, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के बाहर की नहीं, तो इंडिया वालों के तो नेशनल है, इंडिया वालों के लिए तो ये नेशनल एजेंसी है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इंडिया के बाहर के लोगों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल क्यों आया, क्योंकि हम इंडियन की बुक में है, अगर किसी अमेरिकन की बुक में अगर लिखा होता तो वहाँ पे तो इंटरनेशनल लिखा होता, ठीक है। रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो निकल चुका है ये 8 मई को, रॉन्ग यूज ऑफ रेड रेड क्रॉस, वो क्या कह रहे हैं, रेड क्रॉस एम्बुलेंस वेरी ऑफन यूज बाय हॉस्पिटल्स एम्बुलेंस डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑफ क्विक आइडेंटिफिकेशन बट लीगल, वो कह रहे हैं रेड क्रॉस एम्बल का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो जनरली हॉस्पिटल वाले लोग करते हैं, एम्बुलेंस में भी किया जाता है, डॉक्टर्स भी करते हैं, नर्स भी करते हैं, ताकि लोग उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको हेल्प करने के लिए प्रायोरिटी दें, ठीक है, बट लीगली, ये सारे काम लीगली होने चाहिए, बट लीगली है ना, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग, कॉमी का मतलब यहाँ पे अदरवाइज से, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग, अगर आप इसको लीगली नहीं करते हो, अगर आप रेड क्रॉस को लीगली, आपको परमिशन ही नहीं है रेड क्रॉस यूज़ करने की और आपने फिर भी रेड क्रॉस बनवा लिया है, तो ये रॉन्ग है। ओनली रेड क्रॉस सोसाइटी यूनिट्स कैन यूज इट, जो रेड क्रॉस सोसाइटी यूनिट्स के अंदर जो लोग आते हैं वही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कि आप पर हमको प्रायोरिटी सही है, हमने अपनी गाड़ी के ऊपर प्लस का सिंबल बना लिया, गाड़ी का वाइट करा लिया तो ट्रैफिक ना हमें मिले, तो हमने वाइट ये करा लिया, सिंबल बना लिया अपने में, नहीं, तो ये रॉन्ग है। अब पढ़ते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश 1948, यानी सर रेड क्रॉस के बाद ही नहीं है, रेड क्रॉस के बाद ही नहीं है, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UNO, यूनाइटेड नेशंस की बहुत स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सर किस फील्ड में काम करती है इसके लिए देखते हैं। रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड WHO, पहले तो ये कह रही है इसको बनाए क्यों गया, इस WHO को बनाया है क्यों गया, मेंबर कंट्रीज ऑफ UNO फोकस्ड ऑन द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल वर्ल्ड टू लुक आफ्टर द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। UNO कंट्रीज के जो मेंबर हैं, UNO के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, मेंबर कंट्रीज, उन लोगों को एक टाइम पर नीड फील होने लगी, जरूरत महसूस होने लगी कि हमें एक इंटरनेशनल बॉडी बनाने की जरूरत है, इसलिए कि ठीक है नेशनल लेवल पे तो हर कंट्री अपना ध्यान रख ही रही है,
नेशनल लेवल पर तो हर कंट्री अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ बीमारी है ना उस कंट्री पर दूसरी कंट्री से फैलती है। जैसे कोविड-19 चाइना से फैला है जहाँ तक लोगों का कहना है, तो अब इंडिया वालों को बताना भी तो पड़ेगा, इंडिया को बताने के लिए कि चाइना से प्रॉब्लम आने वाली है उसके रेडी रहे हैं। तो इंडिया वाले अब जो रेड क्रॉस है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन में, अब सपोज करो वो इंटरनेशनल लेवल पर ना काम करे तो वो केवल इंडिया की इंडिया में काम करते, तो कभी खबर लग पाती, उसको कभी खबर नहीं लग पाती थी कोविड के बारे में जब इंडिया में नहीं आ जाता। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल बन चुकी है, तो जैसे ही ये डिजीज आई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता चला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। और इंडिया में आने से पहले ही, इंडिया में जो बीमारी आई नहीं उससे पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अदर कंट्रीज को बीमारी के बारे में, बीमारी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया, जिससे कि हर कंट्री को बेनिफिट हो गया इसको पहचानने में, इसे थोड़ा लड़ने में, नहीं तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि इतनी बीमारी क्या है। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल बॉडी का काम होता है कि ये पहले से ही हर कंट्री को बेसिकली इन्फॉर्म कर सके, एक जो नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बाहर से फैल रही हैं बाहर के सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई टू लुक आफ्टर द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दिस वॉज पर्टिकुलरली फेल्ट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑन द कॉजेस एंड क्योर्स ऑफ डिजीज। इसका जो मेनली जो काम था बेसिकली क्या था, रिसर्च का, किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे कि हम पता करें कि बीमारी हुई क्यों है, बीमारी हुई क्यों है और फिर इसका इलाज क्या है। लोगों का ट्रीटमेंट करने से काम नहीं है, बीमारी का रीजन पता लगाना और बीमारी की दवाई बनाना बस, और दवाई बनाना भी उसका दवाई खोजना केवल बस, यही इसका काम है। ठीक है, द कंबाइंड एफर्ट्स इन द डायरेक्शन वर टू गिव बेटर एंड फास्ट रिजल्ट। इसका बेसिकली जो पर्पज था बेसिकली कि ताकि अच्छे से बहुत तेजी से हेल्थ इशूज को सॉल्व किया जा सके। द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज वर टू बेनिफिट क्विकली। जो पुअर कंट्रीज होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको बहुत जल्दी इनसे बेनिफिट मिलता भी था। हु हैज सॉरी WHO हैज 6 रीजनल ऑफिस इन द वर्ल्ड। एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे कितने रीजनल ऑफिस हैं वर्ल्ड में, इसमें से इंडिया में कहाँ पर, इंडिया में एक है दिल्ली में। ईच रीजनल ऑफिस वर्क फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। हर रीजनल ऑफिस जो अपनी मेंबर कंट्री के लिए काम करेगा दिल्ली वाला इंडिया के लिए काम करेगा। ठीक है, इट्स हेड क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन जेनेवा। WHO का जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में। मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO आर बाउंड बाय इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशन टू सेंड इन ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल नोटिफाइड डिजीज, जो मैंने बताया था। ये बाउंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाउंड मतलब कि बंधे हुए हैं, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किस चीज़ से बंधे हुए हैं, एक इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशन है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर साफ सफाई के रूल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू ये लायबल है, जिसके थ्रू ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये सेंड करें ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज। वर्ल्ड वाइड क्या क्या डिजीज नोटिफाई हो चुकी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करना, ये इनका काम है। मलेरिया हुए, स्मॉल पॉक्स आर टू सच नोटिफाइबल डिजीज, और आई थिंक अब इसमें कोविड का नाम हो सकता है, फंगस का नाम हो सकता है, मेरे को नहीं पता है नहीं। हाँ सर, आप ये दो याद रखो। ठीक है, मैं इस नोटिफाइबल के अंदर तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अगर होगा भी तो टीचर इतना लेटर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से। मेन एक्टिविटीज ऑफ WHO आर एज फॉलो। मेन एक्टिविटीज अच्छा, WHO का मेन काम क्या है, रेड क्रॉस का तुमने पढ़ लिया था, अब WHO का पढ़ते हैं। ध्यान रखें दोनों में से एक क्वेश्चन 101% इस चैप्टर से आएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो एक तो ये वाला तो 7 पॉइंट जो है ये, इन दोनों में से एक तो है ही आएगा। ठीक है, फिर एक ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग में है, पर हाँ 300 नंबर में ये वाला भी आ सकता है, रीजन टू फॉर्म WHO, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। बस और उससे अपने ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है क्या है, इनकी मेन एक्टिविटी ज़्यादा पढ़ते हैं, टू कलेक्ट एंड सप्लाई क्या इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन लो पहले का पहले तो लो, फिर जिसके पास नहीं उसको दो, फिर जिसके पास नहीं उसको इंफॉर्मेशन दो अबाउट द अकरेंस ऑफ डिजीज ऑफ एपिडेमिक नेचर। ठीक है, सच एज कोलेरा, प्लेग, टाइफाइड, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा के अंदर कोविड फंगस इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है,
उनका एक काम है कि बोलते इन्फॉर्मेशन लो, चाइना से इन्फॉर्मेशन ली इसके बारे में, कोविड के बारे में, फिर सप्लाई की अदर नेशन का, अदर कंट्रीज को, टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च ऑन डिजीज सचेस कैंसर। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं उनको उनको उनके रिगार्डिंग वो रिसर्च करने में अनेबल है, ठीक है, उनको प्रमोट करना, सोचा सब कुछ फाइनेंशियल एड देना, ठीक है, फिर उनको सपोर्ट करना उनके काम, अगर कुछ चल रहा है कोई ऑनगोइंग रिसर्च है उनके पास, एक फंड की थोड़ी कमी से उनको सपोर्ट करना, है ना, हो सकता है सर ऐसे टॉपिक हो सकता है तो कैंसर को रिसर्च कर रहे हैं, कैंसर भी ऐसी प्रॉब्लम है इसका ट्रीटमेंट है नहीं प्रॉपर। टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट डेवलपमेंट अबाउट द यूज ऑफ वैक्सीन एंड अबाउट हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। बेसिकली लेटेस्ट जो नई नई प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, पुराने पुराने प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो नई नई वैक्सीन बनी है एंड आई फोन उसके रिगार्डिंग फुल डेवलपमेंट हुआ, तो उनके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। टू सजेस्ट क्वारंटाइन मेजर्स, अगर किसी को किसी कोई ऐसे ट्रांसमिटिंग वायरस है, ठीक है, जो और कुछ ऐसे इन्फेक्शन डिजीज हैं कि मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए अगर पेशेंट को आइसोलेट भी करना पड़े तो आप क्वारंटाइन मेजर्स क्या हैं वो सजेस्ट करो, ताकि बीमारियाँ रुक जाएँ, ताकि बीमारियाँ फैलने से रुक जाएँ। टू ले फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इम्पोर्टेंट ड्रग्स टू एंश्योर प्रोविडेंट साइज ऑफ द डोज। आपने कभी सुना हो सब जो मेडिसिन होती हैं उनमें लिखा होता है 500 mg, 100 mg, 1000 mg, 800 mg, है ना, तो mg क्या है, वो एक साइज है, उस छोटी से कैप्सूल के अंदर जो भी ड्रग है, बेसिकली ड्रग बोलते हैं दवाइयों को, ड्रग होता है उनका बेसिक साइंटिफिक नाम ड्रग, कि उस छोटी से कैप्सूल के अंदर कितना ड्रग डला हुआ है। अगर ज़्यादा डोज आपने ले लिया ड्रग का तो हो सकता है आपकी तबीयत में नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए, तो सर कितना लें कितना ना लें, किस एज के लोगों को कितना लेना चाहिए, किस एज के लोगों को कितना नहीं लेना चाहिए, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं इन स्टैंडर्ड्स को सेट करना, इन स्टैंडर्ड को सेट करना फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, फार्मास्यूटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये सारी चीज़ें सेट करना, ये भी किसका नाम है, WHO का काम है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज कैंपेन्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक एंड एंडेमिक डिजीज। सर एपिडेमिक मतलब क्या, जो बीमारियाँ बहुत बड़े बड़े एरिया फैल रही हैं उनके लिए भी, और जो एंडेमिक जो अपने लोकल लेवल पर फैल रही हैं उनके कंट्रोल के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना, ये भी इनका काम है, ये भी इनका काम है, ठीक है। कुछ सराहनीय विषय कहते हैं, पढ़ते हैं, प्रोग्रेस है। इन विच ईयर वॉज WHO एस्टेब्लिश, 1948 में, ठीक है। नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द फॉलोइंग, कैंपेनिंग फॉर कंट्रोल ऑफ एंडेमिक, एंडेमिक हो चाहे एपिडेमिक हो, दोनों के WHO तो है ही है। सप्लाइंग फूड एंड अदर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन इन स्कूल, ये है रेड क्रॉस आपका, जरा एम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ईच केस। रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये आप मेरी हेल्प करना इसमें, ठीक है, अभी मैं कौन कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाला सर इसका है सी, जेनेवा, ठीक है। मैच द एक्रिडिंग कॉलम वन विद कॉलम टू, ठीक है। देर कैन बी मोर देन वन, ठीक है, देर कैन बी वन, अब मोर देन वन एक्टिविटी हो सकता है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस दो ही हैं अब उसमें, या तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो WHO का मुकाम वहाँ पे WW लिखते आएंगे, जहाँ पे रेड क्रॉस का काम होगा वो R लिखते आएंगे वहाँ पे, ठीक है, टेक्निक मैचिंग नहीं करते हैं, काफ़ी गंदा हो जाएगा। टू एक्सटेंड रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, ऐसा काम है रेड क्रॉस का, ठीक है। टू ले फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इम्पोर्टेंट ड्रग्स, WHO। अरेंजिंग एम्बुलेंस इन इमरजेंसीज। टू सजेस्ट क्वारंटाइन मेजर्स, WHO। ट्रेनिंग ऑन मिडवाइफ्स, रेड क्रॉस। प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, रेड क्रॉस, बिल्कुल सही। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रिविएशंस स्टैंड फॉर, आप मेरे को बोल के कदम लिखने जा सर, WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, UNO की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सी वाली मेरे को नहीं मालूम, नेशनल इंफॉर्मेटिव कंट्रोल, नेशनल इंफॉर्मेटिव कंट्रोल कुछ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। लिस्ट एनी थ्री हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडिया में कोई भी आप बता दो मेरे को, डायरिया लिख दो, टाइफाइड लिख दो, मलेरिया लिख दो, कोई भी तीन पूछ रहे हैं, कोई भी तीन लिख दो, ठीक है। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ रेड क्रॉस, आप मेरे को अगर बता सको तो बता दो ओरली, वरना याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर टू अरेंज फॉर एम्बुलेंस इन नीड, ठीक है, एम्बुलेंस हो गया आपका, एम्बुलेंस वाला काम हो गया। एंड सर टू ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग देने का काम होता है। और एंड सर टू हेल्प इन इन अर्थक्वेक्स, कैलेमिटीज के केस में, कैलेमिटीज के केस में हेल्प करना, ठीक है। और टू प्रोवाइड सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है, सप्लाई, बस चार काफी है, शॉर्ट आंसर है, चार काफी है, दो नंबर का हो तो अभी चार काफी है, तीन नंबर का हो तो अभी चार पॉइंट काफी है। WHO के काम बताओ सर, टू सजेस्ट क्वारंटाइन मेजर्स, ठीक है, क्वारंटाइन मेजर्स हो गया। एंड सर टू कलेक्ट एंड अबाउट द डिजीजेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो गया। सर ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू कंट्रोल द डिजीजेस, कैंप्स हो गए, ठीक है। और सर टू सर सप्लाई ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन एंड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के एक और हो गया, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, अभी चार लिख भी दो पर मैं कहूँगा एक मोटा मिसा है, देखना ये वाला, फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स स्टेब्लिश करना, किस ड्रग का कितना साइज होना चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट है ये, मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है, आराम से लिख देना। एक ही क्वेश्चन है क्या इसमें, या एक आपने सेंड किया नहीं उसका, एक ही है बस, नहीं बस एक ही है सर, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, तीनों आपके बुक में पूछे गए हैं, और जहाँ तक केसेस पूछे गए हैं, इन्हीं तीन केसेस पूछे गए हैं, इन्हीं तीन टॉपिक से। रिकॉर्डिंग ऑफ कर, कंप्लीट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है।